नर्सिंग स्टाफ वालों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के मूहरे इकट्ठ कर लिया गया। नर्सिंग स्टाफ के नाल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वालों इकट्ठ किया जा रहा है। अपनी मनमर्जी के जोड़े है रूल असूल साढ़े से थोपे जा रहे हैं। इन्होंने नवे तो नवे रूल बना रहे मैडम, तो एमएसएल की गल करिए कहीं मेरे वालों कोई यह जे कोई रूल नहीं बनया गा। पहला सा रूल चल रहे हैं 100 साल तो 200 साल तो कोई रूल चली जाए, इस करके सू बार बार मैटिंग टॉर्चर किया जाता है। जो कि असं 13-13 घंटे नाइट करते हैं, सू 8 रुपये मिलते थे। असी सिर्फ इन्होंने गल करनी सी, जेकर ये सारे रूल इन्होंने वापस ना ले पुराने जो नवे तो नवे बना रहे हैं, इस तो भी किस घर से असं लीकों गए। पटियाला के रजिंद्रा होस्पिटल के अच्छ 12 बजे के करीब नर्सिंग स्टाफ वालों एक रोस मीटिंग बुलाई गई, जिसके चलते हुए माहौल इन्ना क गर्म हो गया कि नर्सिंग स्टाफ वालों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के मूहरे इकट्ठ कर लिया गया तो नारेबाजी की गई। उन्होंने वालों कहा गया कि साढ़े नाल जो है नर्सिंग स्टाफ के नाल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वालों धक्का किया जा रहा है। अपनी मनमर्जी के जोड़े है रूल असूल साढ़े से थोपे जा रहे हैं। जो पहले समय तो चलते असूल हैं उन्होंने बरकरार रखा जाए ता कोई साढ़े ना धक्का ना हो सके। असं मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। इस सर्दी के मौसम के जो मरीज ने वह बरान ना हो। जेकर सानू इस तरह सुपरिटेंडेंट वालों तंग परेशान किया गया तो असं तिखा संघर्ष भी करा। इस उपर उन्होंने तिखी प्रक्रिया लेंदे हुए सुपरिटेंडेंट के कमरे के मूहरे नारेबाजी की, हले तक भी उत्थे बैठे ने। उन्होंने कहना कि एम एस जिहड़े हैगे ने हरनेक सिंह रेखी उन्होंने अज ऑपरेशन चल रहे हैं। ऑपरेशन तो फ्री होकर जिवें सानू मिलते हैं असी उन्होंने नाल राबता करांगे कि साढ़े नाल इस तरह धक्का क्यों किया जा रहा है। जबकि उन्होंने जो फोन पर गलबात हुई तो उन्होंने कहा कि एम एस का कहना है कि इस चीज़ बारे मैंने बिल्कुल नहीं पता, जिहड़े रूल असूल बनाए जा रहे हैं जिहड़े 8 से 4 ऑफ की गई है किस तरह की गई है किस तरह इन्होंने नाल जिहड़े पुराने असूल ने उन्होंने चेंजिंग आ रही है वो देखना होगा कि इन्हों का जो संघर्ष है वो किस तरह रूपरेखा बदलता है। फिलहाल जिहड़े नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उन्होंने दफ्तर के बाहर भारी कट नर्सा का होया 700 के करीब है स्टाफ जिहड़ा है दसया जा रहा है। करमजीत कौर औलख इतने असी कोई कम नहीं छड़ा ना असी कोई मीट रैली करी सी, असी सिर्फ एक रोस मीटिंग रखी सी जिदे विच नर्सिंग स्टूडेंट मैडम नाल ते एमएस सर नाल गल करनी सी भी जेडे साडे इन्होंने नवे तो नवे रूल बना रहे नर्सिंग स्टूडेंट मैडम। वो कह रहे भी एमएस ने कहा गा ते एमएस नाल असी गल करी कहिंदे मेरे वल्लों कोई इह जे कोई रूल नहीं बनया गा, जिवें साडियां कोई छुट्टी मिल रही है पुराने साडे जो भी हक मिल रहे हैं वो खो रहे हैं। असी इन्हां नाल ही गल करनी सी भी जिवें पहला साडे रूल चल रहे हैं 100 साल तो 200 साल तो कोई रूल चली जाण, पर इत्थे साडे जिहड़े स्टाफ खड़े आ गए ईवनिंग ड्यूटी ते उन्होंने आना सीगा, उन्हां दी अटेंडेंस नहीं लवाई गई गी। उन्होंने वार्डां दे विच ड्यूटी करनी सी, उन्होंने कोई असी मैसेज दिता सी तुसीं रैली दे विच आउणा गा, पर अपने आप इन्होंने इत्थे रोक ले। असी पंजाब सरकार तो मंग करदे आ भी साडे हक पहले ही पिछलियां सरकारां ने खोए सीगे, उन्होंने भी पता भी असी किन्ने संघर्ष करके रेगूलर होए आगे जिहड़े के असी हक उन्हां तों उन्होंने मीटिंगा कर करके लेने सी, पर जेड़े बनते हक आ साढ़े उही खोए जाए। जिवें प्रमोशन कोई प्रमोशन नहीं हो रही गी, कोई भी सानू डाइट लाउंस यूनिफॉर्म लाउंस मोबाइल भत्ता साढ़े सारे जिवें पुरानी पेंशन कोई हक नहीं गा सानू जेड़े असी उन्होंने लेने सी, पर जो साढ़े नर्सिंग स्टूडेंट नवे बैठ गए वो अपने रूल अज्ज थोड़े 4 ऑफ करते, अज्ज जेड़े कि असी 13-13 घंटे नाइट करते हैं सानू 8 ऑफ मिलते सीगे। दूसरा तुहाडी अज्ज CL भरी जाऊगी, इस करके सानू बार बार मैंटली टॉर्चर किया जाता है जो असी ड्यूटी ते आउने आ मॉर्निंग दे ते अटेंडेंस लाउने आ गए। असी चाहुंदे आ जिहड़े पहला रूल चल रहे सी नाइट रैसट, नाइट तो बाद तुहानू नाइट रैसट ही देना गा, साढ़े उही रूल चलते रहन ता कि असी ड्यूटी असी जिहड़ी आ असी मरीजां दी देखभाल कर सकीए। अज्ज जिहड़े इह मुलाजम बाहर खड़े आ इन्हां दे जिम्मेवार नर्सिंग स्टूडेंट आ गए जिन्हां ने अटेंडेंस नहीं लाई, मरीजां दी मौत दी जे कोई नुकसान हुंदा उह वी उन्हां नर्सिंग स्टूडेंट आ जिम्मेवार। असी सिर्फ इन्हां नाल गल करनी सी, जेकर इह साडे रूल इन्हां ने वापस ना ले पुराने जिहड़े नवें तों नवें बना रहे आ, इस तों वी तिखे संघर्ष असी लीकांगे ते जिहदे जिम्मेवार नर्सिंग स्टूडेंट के उच्च अधिकारी होंगे। साढ़े को नर्स 700 स्टाफ नर्स है।
मरीजा तंग करिए मरीजा का नुकसान करिए साडे ही मरीज आ गए क्योंकि तुम देख लो और टीचर आ गए टीचर छुट्टियां मिल दी उन्होंने गर्मी दे मिल दी छुट्टियां मिल दी कोविड के टाइम कोई सानू छुट्टी नहीं गई कोई सानू गर्मी की नहीं ना कोई सर्दी की है सिर्फ सानू अठ ऑफ मिलते सके जब वह भी खोए जा रहे हैं जेकर इस तरह के साडे नाल साडे रूल चेंज करनगे तो असी तिखे संघर्ष असी पहला भी जेड़े भी असी तिखे संघर्ष लड़े है उहदे उपर असी दुबारा यह ना हो मजबूरन पहरा देना पैजे सानू। मेरा नाम संदीप कौर बरनाला जी चेयरपर्सन है नर्सिंग एसोसीएशन की। तो अज जी साड़ी यह रोस मीटिंग रखी सी असी जिदे विच ए सी कि साडे जिहड़े सरकार ने सानू अठ ऑफ दिते आ साडे आर्स पूरे हुंदे आ असी ईवनिंग नाइट्स करदे आ उहदे कारण करके ते पर नर्सिंग सुपरटेंडेंट ने एक अपना परसनल फैसला सुना दिता कि तुहानू ऑफ जिहड़े उह चार दिते जाणगे किसी मैडिकल सुपरटेंडेंट डी आर एम ई जां किसी सरकार वल्लों कोई ऑर्डर नहीं है। रोस मीटिंग प्रोटेस्ट नहीं सी असी कोई धरना नहीं लाया सी जां कोई रैली नहीं कीती सी असी सिर्फ एक मीटिंग रखी सी पर मीटिंग दे विच की नतीजा आया कि मैडम ने जिहड़े शाम वाले बच्चे सी उन्हां नूं अटेंडेंस ही नहीं पाउण दित्ती कि जां तां तुसीं कदी भी धरना नहीं लाओगे कदी भी तुसीं इन्हां दे नाल नहीं चलोगे मतलब जे मैडम कहिंदे ने कि चार ऑफ दित्ते आ तां चार ऑफ नूं ही तुसीं एग्री करोगे तां तुसीं अज अटेंडेंस पाओगे जिहड़ा कि सरासर तक है। फिलहाल कोई भी साडे नाल किसी भी तरह के महकमे ने गल नहीं की ते जदों साडी कोई महकमे नाल गल हुंदी है तां उदों हल निकलदा तां ठीक है नहीं तां असीं तिखा संघर्ष करांगे। किन्ने लोग तुहाडे नाल इस गल दे विच हैं? तकरीबन 1500 स्टाफ है जी। कोई मेडिकल अंदर गया वेट करने लई गया गया साडे जिहड़े मैडिकल सुपरटेंडेंट सर सीगे ओह अज ऑपरेशन थिएटर दे विच आ तां असीं उहनां नूं काम दे विच विघन नहीं पाया तां असीं उहनां नूं उड़ीक कर रहे हां उहनां दी जदों ही ओह बाहर आउंदे आ साडे नाल गलबात हुंदी आ तां असीं हल निकलूगा।